हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए समझते हैं कि गूगल शीट में कुछ फॉर्मूलाज का यूज हम कैसे करेंगे। फॉर्मूलाज तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम शीट वन वाले डेटा पे चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला मैंने पहले से यूज कर रखा है। अब जैसे इन सारे नंबर्स का सम हमें कराना है, यानी एडिशन करवाना है, तो कैसे करवाएंगे ये देखिए। यहाँ पे जैसे कि हम एक्सेल में लगाते हैं इज इक्वल टू, तो यहाँ भी इज इक्वल टू लगा लिया हमने और लिखा सम, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, और इन चारों को ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे यहां से, ठीक है। अगर आप ड्रैग नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, यहां पर सबसे पहले हमें यह देखना होगा ब्रैकेट लगाने के बाद कि ये जो है इसका सेल एड्रेस क्या है। सेल एड्रेस अगर आपने नहीं सीखा है तो सेल एड्रेस का एक और वीडियो मैंने बनाया है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं ये ए जो है कॉलम है, ये ए आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा ए, और यहां ये फाइव में है, तो आप यहां पर सिंपली लिख सकते हैं ए फाइव लिख दिया आपने, और कोलन लगाइए। कोलन ये दो पॉइंट का जो साइन होता है उसे हम कोलन कहते हैं, ठीक है। अब कहां तक जाना है, यहां से हमें जाना है डी फाइव तक, तो यहां लिख दूंगा मैं डी फाइव, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा ये टोटल होकर के आ जाएगा। तो ये सम फॉर्मूला रहा। अब यहां पर देखिए ये मैंने निकाला है, इसमें तो कुछ क्राइटेरिया है इसकी, तो मैं आपको बताता हूं क्या क्राइटेरिया है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको दोबारा से करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर ये एज लिखा हुआ है और ये नेम लिखा हुआ है, ठीक है। मैं काम करता हूं यहां पे राइट क्लिक करके एक और ऊपर कॉलम बना लेता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं नेम, ठीक है। और नेम के ठीक बाद यहां पे हमें लिखना है एज, ठीक है। तो ये पहला वाला नेम है और सेकेंड वाला एज है, ठीक है। हमें यह पता करना है कि कौन सीनियर सिटीजन है और कौन एडल्ट है और कौन चाइल्ड है और कौन बेबी है। देखिए क्राइटेरिया क्या है, अगर सीनियर सिटीजन है तो वो उसकी एज 60 होगी या 60 से अबव होगी, ठीक है। अगर एडल्ट है तो 18 यानी 18 से लेकर और 59 साल तक की उसकी उम्र होगी, ठीक है। और अगर वो चाइल्ड है तो 5 साल से कम उसकी उम्र होगी, और 5 साल से लेकर और 17 साल तक जो उम्र होगी वो होगी बेबी की, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर लिखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, और यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे इफ का, ठीक है। इफ लगाया हमने, और यहां पर ये वाला जो कॉलम है, जो एज वाला कॉलम है, इसको हमने पहला वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अब हम कहेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 कॉमा सीनियर सिटीजन SER यहां पे लिखा मैंने, और सिटीजन ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, तो सीनियर सिटीजन कर दिया मैंने, इसको क्लोज करा मैंने। अब इसमें देखिए मैं नेस्टेड इफ लगा रहा हूं, ठीक है। आपने एक्सेल में नेस्टेड इफ लगाया होगा लेकिन ये गूगल शीट की बात है, ठीक है, सो बी अवेयर। तो यहां पे इसको फिर मैंने सेलेक्ट करा और फिर यहां पे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा कि कर दूंगा इसको 18, ठीक है, कॉमा, अगर ऐसा हो तो वो हो जाए अडल्ट, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, फिर इसमें इफ लगाऊंगा, यानी इसे हम नेस्टेड इफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर इसी को सेलेक्ट करा और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 कॉमा, तो क्या हो जाए, तो हो जाए बेबी, ठीक है, कॉमा। और अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन, अब लास्ट में दो कंडीशन दी जाती है इफ फॉर्मूला जो है, लास्ट में दो कंडीशन ट्रू या फॉल्स की कंडीशन होती है, ठीक है। अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करे तो वो हो जाए चाइल्ड, CHILD लिखा मैंने और इसको करा क्लोज, और 1 2 और ये 3 इफ मैंने क्लोज कर दिया, इंटरप्रेस किया हमने। तो यहां देखिए 15 साल का है तो यहां बेबी आ चुका है, ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग करता हूं नीचे, ओके, ड्रैग करा मैंने, तो देखिए ये जो है 55 साल के हैं तो ये अडल्ट है, ठीक है। अगर ये 60 साल के हैं तो सीनियर सिटीजन है, 12 साल का है तो बेबी है, और 4 साल का है तो चाइल्ड है, ठीक है। अगर किसी की एज 5 साल हो, जैसे सपोज कीजिए मैं इसको हटा देता हूं और यहां 5 साल लिख देता हूं, देन देखिए यहां पे बेबी अपने आप आ जाएगा, समझ रहे हैं। अगर 4 साल हो जाए तब क्या होगा, तो यहां पे चाइल्ड आ जाएगा, तो यहां चाइल्ड आ गया, ठीक है। इस तरह से करके ये फॉर्मूला काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सम इफ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। यहां पे ये भी मैंने लगा रखा है पहले से, इसको भी मैं हटा देता हूं यहां से, मैं फिर से आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए ये जो है नेम ऑफ
सेल्समैन है, और ये जो नेम है ये लोग कुछ सामान बेचेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल, तो मोबाइल के आइटम ये लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सेल कर रहे हैं आइटम, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूं ये लिखा मैंने, तो अभी ये लोग कुछ आइटम ये सेल करेंगे मोबाइल के, और कितना कितना सेल कर रहे हैं वो यहां पे मैं डाल देता हूं, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब हमें ये पता करना है, देखिए एक नाम दो बार आया हुआ है, जैसे ये देखिए राम है, ये दो बार आया हुआ है, मैं इन्हीं का एग्जांपल लेता हूं, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर में कर लेता हूं यहां से, ताकि आपको समझ में भी आए। तो यहां पे जो राम का एग्जांपल है वही हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर पता करना है हमें, अभी तो ये छोटी सी लिस्ट है, अगर बड़ी लिस्ट हो तो कैसे पता करेंगे, तो तरीका यही है, यहां पे इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर लिखेंगे सम इफ, ये लगा दिया हमने फॉर्मूला, और जैसे ही लगाएंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो अब यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो कॉलम है यहां से राम से लेकर श्याम तक नीचे तक, इस पूरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कॉमा दीजिए, इसमें से पता किसका करना है, सपोज कीजिए हमें राम का पता करना है, मैंने इसी को हाईलाइट कर रखा है, तो राम का पता करना है कि राम ने कितने मोबाइल सेल किए, ठीक है। तो ये हमने ले लिया राम, राम को सेलेक्ट करा यहां पे, तो राम J6 में आ गया, यानी कि मैंने आपको सेल एड्रेस में बताया है, ये इसे हम रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं, ठीक है, तो J6 में राम लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो आइटम इन्होंने सेल किए हैं, कितने कितने मात्रा में किया है, यूनिट कितना सेल किया है, वो यहां पे हमने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया, अब हमको करना है ब्रैकेट को क्लोज और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए एंटर प्रेस करते हैं यहां से, तो यहां पे जैसे ही एंटर प्रेस करना किया हमने, तो यहां पे देख सकते हैं आप 13 आ रहा है, इसको मैं एक अलग से कलर में दे देता हूं ताकि आपको समझने में देखने में आसानी हो, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहां पे 13 आ रहा है, इसके पहले भी 13 आ रहा था, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी, अगर किसी और का हमें निकालना होगा तब क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए यहां तो राम का था, तो यहां पे हमने क्या किया, यहां से राम को सेलेक्ट कर लिया था, यानी J6 सेलेक्ट किया था, ठीक है। हम यहां पे सेल एड्रेस बदल देते हैं, ये J6 के बजाय मैं करता हूं, जैसे सचिन का है तो इसका कर लेता हूं, तो सचिन का कौन सा सेल एड्रेस है, जे, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं J8, एंटर प्रेस करता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं 9 आइटम इन्होंने सेल करे हैं सचिन ने, तो यहां पे देखिए और तो कहीं सचिन नाम आया नहीं है, एक ही जगह आया हुआ है सचिन, लेनोवो का ये मोबाइल सेल कर रहे हैं और 9 आइटम इन्होंने सेल किया है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समीप फॉर्मूले के बाद बात करते हैं इन सारे फॉर्मूलाज की। सबसे पहले अपर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, तो अपर का मतलब क्या होता है, बड़े लेटर में जो छोटे लेटर में लिखा है वो बड़े लेटर में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अपर, ठीक है। तो यहां अपर फॉर्मूला हमने लगाया, अब जैसे ये देखिए पहला लेटर कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है, तो इसको मैंने ले लिया और सिंपली यहां से किया क्लोज और एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए सब कैपिटल हो गया, तो यहां पे देखिए सब स्मॉल हो चुका है, ठीक है। और यहां पे देखिए ट्रिम फॉर्मूला, ट्रिम का मतलब क्या होता है, TRIM लिखा मैंने, ट्रिम माने होता है काटना छाटना, तो बिल्कुल ये उसी प्रकार से काम करता है, काटने छाटने का ही काम ये करता है। यहां पे देखिए काफी ज्यादा गैप हो गया है नेम में, ठीक है, तो इस गैप को थोड़ा ये रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, तो चलिए इसको सेलेक्ट किया हमने और देखते हैं इस गैप को ये कम करता है या नहीं, तो देखिए ये गैप को काफी हद तक कम कर चुका है, ठीक है, तो ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम राइट फॉर्मूले की, ठीक है, आइए चलिए राइट फॉर्मूले पे काम करते हैं। अब ये लिखा हुआ है राइट, यहां पे आप देख सकते हैं राइट लिखा हुआ है, मैं इसको अलग कलर से करता हूं कलर, ठीक है। तो ये राइट जो लिखा हुआ है इस पे हमें बात करनी है, तो लिखता हूं इज इक्वल टू राइट, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। अब इस राइट को कर लेता हूं सेलेक्ट, ठीक है, कॉमा। अब राइट फॉर्मूले में हमें पता करना है कि दूसरे नंबर पे कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, तो हमने इसको क्लोज करा। अब राइट साइड से काउंट करके देगा, आप देख सकते हैं आप यहां पे राइट साइड से 1 2 यानी H लिखा हुआ है, एंटर प्रेस करता हूं देखता हूं क्या आता है, तो यहां देखिए H और T आ रहा है, यानी कि दो कैरेक्टर्स जो है निकाल करके ये हमें दे रहा है, यानी ये देखिए ये 2 1 और 2 ये दोनों कैरेक्टर्स निकाल करके दे रहा है, यानी दो कैरेक्टर्स हमें दे रहा है। अच्छा, यहां पर अगर हम 3 कर दे तो क्या होगा, तो 3 कैरेक्टर्स ये निकाल करके दे देगा, राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स निकाल करके हमें दे देगा, ये देखिए यहां पे 3 कैरेक्टर आ गए। इसी तरह से लेफ्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं आप, यहां लिखा हुआ है लेफ्ट, ठीक है, तो यहां फॉर्मूला लगाता हूं मैं लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट लगाया हमने, लेफ्ट को चूज किया, यहां से सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, यहां पे लिखेंगे 3 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आया हुआ है उसको बता दीजिए,
तो ये थ्री नंबर के लेफ्ट से थ्री नंबर के अल्फाबेट ये निकाल करके हमें दे रहा है एल ई एफ, यही तीन अल्फाबेट है जो लेफ्ट से आए हुए हैं तीनों, ठीक है। तो ये तीन नंबर के जो अल्फाबेट है तीनों, एक दो तीन, ये तीनों आ गए यहां पे। अब प्रॉपर, अब जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां लिखा स्मॉल में या कैपिटल में लिख दिया, फिर यहां पे पूरा कैपिटल में लिख दिया हमने, ठीक है। अब प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर का मतलब होता है कि जो चीज सही हो, सही तरीके से लिखी गई हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर, ओके। तो यहां पे मैंने प्रॉपर लिखा, ठीक है। अब कोई भी चीज पूरा कैपिटल लिख दिया जाए तो ये अनोइंग होता है पढ़ने वाले के लिए, ठीक है। जो भी पढ़ेगा वो इससे चिढ़ आएगी उसको, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये इसको प्रॉपर वे में बना देगा, यानी पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल जैसा कि शो हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, क्योंकि इसमें सारे बहुत सारे फॉर्मूलाज मैंने कवर किए हुए हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।